सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम। तो आज की इस वीडियो में दो मुद्दे पर बात करने के लिए हूँ। पहला मुद्दा है संत रविदास जी के मंदिर को मामले को लेकर, और दूसरा मुद्दा है जो कि यूट्यूबर हैं बहुजन समाज को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, मंदिर की गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार इतनी जगह दे रही है या इतनी जगह दे रही है। तो साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और जो कि इन दो मुद्दों पर मैं बात करने के लिए हूँ, मैं दोनों को जवाब देने के लिए आया हूँ, कोई बात बात नहीं करने के लिए, जो कि किस तरीके से बहुजन समाज के साथ मजाक कर रही है सरकार, और सबसे ज्यादा मजाक कर रहे हैं जो कि यूट्यूबर हैं, वो कि बिल्कुल सच भी नहीं बताकर दे रहे हैं बहुजन समाज के व्यक्तियों को। और आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सच बताकर दूंगा। पहले साथियों, संत रविदास जी के मंदिर हमारा जो कि 7 एकड़ जमीन में बना हुआ था, और अब उसके लिए सिर्फ 200 या 400 मीटर, पहले 200 मीटर का दिया था मंदिर बनाने के लिए, फिर 400 मीटर उसमें भी लकड़ी का मंदिर बनेगा, ना ही उसमें कोई भी पोस्टर लगाने दिया जाएगा, और ना ही उसमें जो कि मंदिर बनेगा उस पर कब्जा रहेगा सरकार का सबसे ज्यादा। तो साथियों ये बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, जो कि 7 एकड़ में संत रविदास जी का यानी गुरुघर बना हुआ था उसको सिर्फ 200 या 400 मीटर में बनाने के लिए आदेश दिया है। और ये जब हुआ है, जब बहुजन समाज के या भीम आर्मी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, 96 साथी 2 महीने जेल में रहे, फिर 200 या 400 मीटर ही जमीन दे रही है सरकार, उसके बड़े इतने बड़े आंदोलन के बाद भी 200 या 400 मीटर ही जमीन दे रही है बहुजन समाज को, और ना ही अभी तक कुछ हुआ है। इतनी 7 एकड़ जमीन में से हमको सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिया जा रहा है, और ये जो बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ सरासर मजाक हो रहा है, कभी 200 कभी 400 आगे चल के 600 भी हो सकता है, और चाहे मंदिर बने या ना बने इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, जो कि बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी 200 या 400 मीटर। और कुछ यूट्यूबर हैं उनको मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सभी तो ऐसे नहीं है, पर एक मैंने यूट्यूबर देखा था, उसने बहुजन समाज के व्यक्ति थंबनेल ऐसे लगाते हैं जो कि सरकार है, पूरा बहुजन समाज, सरकार पूरे बहुजन समाज की नाम कर दे रही है, पूरा भारत ऐसे थंबनेल लगाते हैं। तो उस थंबनेल में लिखा हुआ था बहुजन समाज मंदिर बनाने के लिए सरकार डबल जगह दे रही है, 7 एकड़ की 14 एकड़। तो इसने ये नहीं बताया कि 200 मीटर की 400 मीटर दे रही है, इसने डबल बता दिया। तो बहुजन समाज उस वीडियो को देखेगी, बहुजन समाज को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब वाले, डबल जगह, जब हमारी 7 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ जमीन दे रही है सरकार रविदास मंदिर बनाने के लिए, तो 14 एकड़ जमीन कहां से दे देगी। इन यूट्यूबरों से मैंने कहना चाहता है, अगर आप बहुजन समाज को सच बता सकें तो वीडियो बनाइए, अन्यथा आप वीडियो ना बनाएं जो कि आप बहुजन समाज को इस तरीके से गुमराह कर रहे हो, डबल जगह दे रही है। अगर सरकार डबल जगह ही देती हमको मंदिर बनाने के लिए, तो हमारी जो कि 7 एकड़ जमीन है मंदिर तोड़वा नहीं देती, 7 एकड़ जमीन को हड़प नहीं कर लेती, और ना ही वो मंदिर तोड़वाती। अब आप सोच सकते हो किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले। एक यूट्यूब चैनल है सिर्फ, उसका मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, वो बोलता है कि सरकार मंदिर बनाने के लिए डबल जगह दे रही है। डबल जगह तो बहुत दूर की बात है, हमारी जो कि 7 एकड़ जमीन है उसी को दे दे, वही बहुत बड़ी बात रहेगी बहुजन समाज के लिए, जो कि 400 मीटर जगह बहुजन समाज ने उसको एक्सपेक्ट कर लिया, हम राजी हैं इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए। तो साथियों ये भी बहुत ही ज्यादा अन्याय है, और जो कि 96 साथी हैं उनका भी केस वापस ले लिया सरकार ने। तो साथियों यही थी छोटी सी वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो कि गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनसे बच के रहें। जय भीम साथियों।